हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 पार्ट 4। इस वीडियो में हम जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उनके लिए दो तरह के क्रॉस किए थे, तो उसमें एक क्रॉस को हम पढ़ेंगे। द क्रॉस आर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल टुक वन कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर को उन्होंने उठाया था और ये बताया था इस क्रॉस के थ्रू कि कैसे एक सिंगल कैरेक्टर वन जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिट होता है। सो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर, यानी कि हम दो अलग अलग प्लांट्स लेते हैं, एक दोनों प्लांट्स के अंदर एक ही कैरेक्टर को उठाते हैं, बट इन अ वन प्लांट एक कैरेक्टर होगा उसका डोमिनेंट ट्रेट प्योरली होगा और दूसरा प्लांट होगा जो उसका एक कैरेक्टर उसका रिसेसिव ट्रेट प्योरली होगा। जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, इसमें हमने पेरेंट्स प्लांट लिए हैं, दो लिया गया है कैपिटल टी होमोजाइगस स्टॉल, और जिसके साथ दूसरा प्लांट लिया गया है दैट इज स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। तो दो प्लांट्स लिए, ए मेल फीमेल, वन इज प्योर टॉल एंड सेकेंड इज प्योर ड्वार्फ। जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया गैमेट्स बने, गैमेट्स का मतलब जो ऊपर कैपिटल टी का पेयर था जीन का, वो पेयर अलग अलग हो जाता है, सिंगल दोनों जीन्स सेपरेट हो जाते हैं, तो सेपरेट होने को यहाँ पर गैमेट्स बनना कहते हैं। तो अब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी के साथ क्रॉस करता है तो हमको जो नीचे जनरेशन मिलती है क्रॉस के बाद, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है इनके कॉम्बिनेशन से, तो ये F1 जनरेशन है, इसमें हमको सारे के सारे प्लांट्स टॉल मिले। क्यों? क्योंकि सभी प्लांट्स एक कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक इस पेयर में हमको मिला था। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, ऊपर हमने प्लांट्स दिए थे होमोजाइगस कंडीशन के, बट आफ्टर द क्रॉस द कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर रूल फॉलो होता है डोमिनेंसी का, हमने बताया था कि अगर दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक पेयर में दो अलग अलग जीन है तो उसमें से केवल एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करा पाता है। तो यहाँ पर प्लांट क्या हुए, केवल टॉल जीन अपने आप को एक्सप्रेस करा पाया, स्मॉल टी ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा पाया। तो F1 की सेल्फिंग करा दिया, क्या करा दिया, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सेल्फिंग। सेल्फिंग में क्या होता है, F1 के ही हमको जितने कैंडिडेट मिलते हैं उनमें से किसी दो की आपस में क्रॉस करा सकते हैं। F1 में हमको क्या मिला था, हेट्रोजाइगस टॉल मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप यहाँ पर देखिए दोनों के क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराया गया है, हेट्रोजाइगस टॉल का क्रॉस हुआ है हेट्रोजाइगस टॉल से। तो जब इनके क्रॉस से पहले गैमेट्स बने, यानी कि जो इनका पेयर ऑफ जीन था वो सेपरेट हो गया स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी से अलग अलग। अब जब यहाँ पर क्रॉस कराया गया तो आप नीचे इसमें जो एक बॉक्स बना हुआ है इसमें आप देखिए एक जो कॉम्बिनेशन बना है कैपिटल टी का, और दो कॉम्बिनेशन बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बना है वो स्मॉल टी का। यानी कि यहाँ पे हमको तीन तरह के कॉम्बिनेशन दिखाई दिए हैं, 25% प्योर टॉल, 50% आपका हाइब्रिड टॉल, और लास्ट का 25% प्योर ड्वार्फ। तो ये हमको F2 जनरेशन मिली थी। इस F2 जनरेशन में देखिए आप यहाँ पर, तो जो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो था, यानी कि फिनोटिपिक हमने बताया था, फिनोटिपिक यानी कि जो कैरेक्टर्स विजुअली हमको फिजिकली अपीयर हो रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई देने में हमको क्या था, आपके 75% प्लांट टॉल थे, चाहे वो होमोजाइगस टॉल हो चाहे वो हेट्रोजाइगस टॉल हो, हमको विजुअली वो केवल टॉल ही दिखाई दे रहे थे, तो फिनोटिपिकली दे आर टॉल, और केवल 25% हमको ड्वार्फ दिखाई दे रही थी, उनका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं चल रहा था, केवल फिनोटिपिकली हम बातें कर रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का 3:1। ऐसे ही अगर उसका हम जीनोटिपिक रेशियो निकालें तो 125% प्योर टॉल थे, 50% हाइब्रिड टॉल थे, और आपके 25% प्योर ड्वार्फ थे, तो इस हिसाब से उसका रेशियो निकलता है यहाँ पर 1:1, 1:2:1।